हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। तो देखिए, यूनिट सेल के अपन ने पढ़े थे दो टाइप होते हैं। पहला होता है आपका प्रिमिटिव, सेकंड होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर आता है आपका सिंपल यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव के अंदर हमने पढ़े थे फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और एंड सेंटर। अब इन एटम के अंदर है ना, ये जो यूनिट सेल होते हैं इसके अंदर टोटल एटम कितने होते हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबका कंट्रीब्यूशन पढ़ाता हूँ। अगर मान लीजिए अगर आपका एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ठीक, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/8। मतलब ये एक कॉर्नर का एटम जो आपको दिख रहा है ना डायग्राम में, ये 8 यूनिट सेल से शेयर होता है। सेकेंड, अगर आपका एटम फेस पे प्रेजेंट है, देखिए अगर आपका एटम फेस पे प्रेजेंट है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/2, मतलब आधा आधा, आधा इस पार आधा उस पार। थर्ड चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आपका एटम बॉडी पे प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, फिर आप कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कैलकुलेशन देखते हैं सिंपल यूनिट सेल का। अब सिंपल यूनिट सेल क्या होता है, हमने देखा था सिंपल यूनिट सेल में एटम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सिर्फ कॉर्नर पे। तो देखो 8 कॉर्नर पे आपके एटम प्रेजेंट है और सबका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। अभी मैंने बताया कॉर्नर एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8। अब इसको कैलकुलेशन करना, तो देखिए टोटल एटम कितने हैं आपके, 8। टोटल एटम है 8 और एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो जो आपको टोटल निकलेगा, इसको 8 से 8 कैंसिल कर दीजिएगा, तो जो टोटल एटम निकलते हैं वो कितना होता है, 1। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास सिंपल यूनिट सेल है तो उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1 होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल की। बॉडी सेंटर यूनिट सेल क्या होता है, आपके जो एटम है वो 8 कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है, साथ ही साथ में एक एटम कहाँ पे प्रेजेंट है, बिल्कुल बॉडी पे। अब कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 और अगर एटम आपका बॉडी में हो तो उसका कंट्रीब्यूशन 1, यह भी मैंने बताया था। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, देखो 8 एटम कॉर्नर पे, उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस एक एटम आपका बॉडी पे भी तो है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 था। तब इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 से 8 कैंसिल, बचा कितना, 1 और 1 × 1 1, तो बॉडी सेंटर में टोटल 2 एटम होते हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं फेस सेंटर यूनिट सेल की। अब फेस सेंटर क्या होता है, आपके जो एटम है वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे, साथ ही में कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, 6 फेसेस में प्रेजेंट होंगे, एक ऊपर नीचे लेफ्ट राइट बैक फ्रंट। तो 6 एटम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फेस में भी प्रेजेंट होते हैं। अब इसका कंट्रीब्यूशन देखते हैं, देखो कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, जबकि फेस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। ठीक, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम 1/8, कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर एटम 1/2। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कैसे निकलेंगे, देखो 8 एटम कॉर्नर पे है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8, 6 एटम फेस में भी तो है और उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2। तो देखो 8 से 8 कैंसिल, बचा 1 और ये 6 × 1/2, इसको कैंसिल किया तो 3, तो 1 + 3 टोटल कितने हो गए, 4 एटम हो गए। तो इस वीडियो में हमने देखा कैसे टोटल नंबर ऑफ एटम निकालते हैं सिंपल यूनिट सेल में, बॉडी सेंटर में और फेस सेंटर में। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।